गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल मैं यही होटल में रुका था, होटल हिल व्यू में, और आज मैं और कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आज का मेरा प्लान है, पहले मैं जा रहा हूँ पावागढ़ पे। पावागढ़ के आसपास तीन चार अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा। यहाँ पास में एक गाँव है जहाँ पर सिल्वर माइन थी, जो पहले के ज़माने में सिल्वर निकला था वहाँ से, आज वो माइन बंद पड़ी है, क्योंकि मुझे उसको भी एक्सप्लोर करना है। तो निकलते हैं, लेट्स गो। इतिहास का, आर्किटेक्ट का एक और बेजोड़ नमूना आप मेरे पीछे जो आर्ट देख सकते हो, ये जो कमान है, एक्चुअली ये पावागढ़ और चापानेर का जो फेमस है, सबसे फेमस प्लेस में से एक है। और ये कमान की मेन चीज़ में महत्व है कि ये जो पूरा आप देख रहे हो राउंड, वो कहीं पे भी सीमेंट का या और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया, ये सब पत्थर को इंटरलॉक करके ये बनाया गया है। और सेंटर में जो आप देख रहे हो छोटा सा पत्थर, ये उसकी की लॉक है। अगर वो पत्थर को आप हटा दोगे तो पूरा कमान नीचे टूट जाएगा। ऐसी 7 कमान है। माना जाता है कि पहले के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कमानें थी, मगर अभी हाल में 7 बची है। और जो यूनेस्को वालों ने जब ये देखा तो इसका नाम 7 कमान रखा। एक्चुअली पुराने टाइम में ये सबसे वीक पॉइंट था यहाँ के जो सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ना आसान था। तो यहाँ का जो एरिया था वो सबसे बड़ी छावनी थी सैनिकों की, और इनके जो यहाँ की किले की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हर टाइम पे उपलब्ध रहते थे। ये पावागढ़ फोर्ट के आसपास के जो एरिया है उसकी जो ये वॉल है, ये वॉल को भी बहुत सोच समझ के बनाया गया था। एक तो ये वॉल की चौड़ाई कम से कम 2 फुट है, तो इसको तोड़ना भी मुश्किल है। दूसरा कि यहाँ से आप जो भी शत्रु आते थे यहाँ पे, जो भी दुश्मन यहाँ पे चढ़ाई करने आते थे, उस पर आप अच्छी तरह से वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो है पूरा क्रॉस में रखा है, ताकि आप यहाँ से खड़े खड़े कुछ भी वेपन से आप उस पर वार कर सकते हो, और नीचे का पूरा एरिया आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। उसके साथ है ये सेंटर पॉइंट, जो जहाँ से आप सीधा देख सकते हो, तो सामने से कोई भी आप हिलचल पे आप नज़र रख सकते हो। इसके अलावा और भी है नीचे से, जो आप यहाँ से भी आप सीधा व्यू कर सकते हो। और ये जो बड़ा सा एरिया है, इसको उन लोगों ने तोप के लिए रखा था, जहाँ से वो तोप का उनकी जो तोपें थी वो लगाई जाती थी, ताकि दुश्मन आते ही उस पर हमला कर सके। ये पूरा जो आर्किटेक्ट बनाया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था सिक्योरिटी रीजन से। सैन्य की सबसे बड़ी छावनी 7 कमान का जो एरिया था, यहाँ से ऊपर महल तक जाने के लिए ये एक जमीन के अंदर से रास्ता था, अभी बढ़ चुका है, मगर ये रास्ता सीधा ऊपर महल में निकलता था। और बीच में एक धोखाबारी भी थी, ताकि कोई शत्रु अगर घुस जाए तो उसको वहीं पे रोक सकते। और ये पूरा अंडरग्राउंड रास्ता सीधे ऊपर महल तक जाता था। और ये जो पूरा एरिया में जो वॉल बनाई है, जो सिक्योरिटी के रीजन से, आप इसकी सिक्योरिटी देखोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कितना सोच समझ के ये लोग कंस्ट्रक्ट करते थे। वो उस टाइम की आर्किटेक्ट है, आज इतने टेक्नोलॉजी के साथ हम करते हैं, मगर ये बिना टेक्नोलॉजी के किया हुआ काम है, फिर भी आज इतने सालों के बाद भी अड़िकम खड़ा हुआ है। 2019 में जब यूनेस्को वालों ने, आर्कियोलॉजी वालों ने यहाँ पे एक्सकवेशन किया, तब जाके ये वॉल मिली उनको, जो प्राचीन काल में जो लिपि यूज़ करती थी, संस्कृत लिपि में जो यूज़ करते थे वो लोग, वो पूरा लेख यहाँ पे निकला है, जो आप देख सकते हो। ये अभी 2019 में ही उसको ढूंढा गया है। रिच्छा महादेव टेम्पल, ये एक चापानेर से थोड़ा सा आउटसाइड पे इंटीरियर एरिया में एक पहाड़ी के ऊपर केव्स है, केव्स के अंदर टेम्पल है। यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि केव्स के अंदर आने का रास्ता बहुत ही सकड़ा है, मगर अंदर आने के बाद एक मंदिर है और मंदिर के बाजू में एक पत्थर है। ये पत्थर की खासियत ये है कि ये भी स्टोन है और ये भी स्टोन है, मगर दोनों स्टोन को जब आप आपस में टकराओगे तो जैसे मंदिर में बेल बजाते हैं घंट, वैसे आवाज आएगी। मैं आपको सुनाता हूँ। ये दोनों पत्थर को आपस में टकराने से उसका जो साउंड है वो मंदिर के बेल जैसा होता है। दूसरा ये माना जाता है कि यहाँ पे जब पांडव को गुप्तवास में रखा गया था उस टाइम पे वो लोग यहीं पे ठहरे थे, और यहाँ पे पांचों पांडवों के पैरों के निशान भी है और भीम का हाथ का निशान भी है। इसके अलावा ये गुफा काफी अंदर तक है, 1-2-3 किलोमीटर तक अंदर जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ भी है। उच्चनाथ महादेव जो टेम्पल जो था उसके सराउंडिंग एरिया मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत सारी केव्स है और काफ़ी केव्स तो ऐसी है कि 6-7 किलोमीटर लंबी है, मगर अंदर चमकादड़ बहुत है, अंदर जाना भी रिस्की है, मगर जहाँ तक हो पाया वहाँ तक मैं अंदर तक गया और बहुत ही ब्यूटीफुल केव्स है यहाँ पे। और इसके सराउंडिंग जो एरिया है पूरा वो कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े अंतर पे ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं जैसे किसी ने रखा हो। मैं आपको उसको व्यू दिखाता हूँ। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये प्लेस बहुत ही सुपर है, क्योंकि यहाँ तक ऊपर आने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ है, मगर इसके बाद जो ऊपर का पूरा एरिया है वो सीधे आपको स्टोन के ऊपर पत्थरों के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा रिस्की भी है और एडवेंचर भी है। और यहाँ की जो केव्स है उसकी एक खासियत ये है कि यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल बनाया नहीं गया है, ना कोई रास्ता है ना कोई, हार्डली लोग आते भी यहाँ बहुत कम है, तो वीरान जैसी पड़ी एरिया है, तो आपको ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगी। जो सालों से पुराने टाइम से जो पत्थर जैसे पड़े वैसे ही है, आपको रास्ता खुद ढूंढना है, आपको आगे निकलना है। तो अगर आपको एडवेंचर पसंद है, आपको केविंग पसंद है, आपको कुछ नया थ्रिल करना है, तो ये प्लेस बहुत ही बढ़िया है। और ये चापानेर से हार्डली 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो इसकी विजिट मेरे ख्याल से करनी ही चाहिए, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ पावागढ़ हिल की तरफ। नाश्ता करने के लिए आया तो मेरी मुलाकात जो होटल के जो ऑनर थे जयेश भाई जोशी उनके साथ हुई। उनसे बात करने में मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर 350 साल पहले परिकंपा होती थी, मगर फिर वो लुप्त हो गई थी, तो वो परिकंपा को वापस उन्होंने शुरू करवाया है, तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। जयेश भाई, ये जयेश भाई जोशी जिन्होंने ये परिकंपा वापस शुरू करवाई, और लास्ट 4 साल से परिकंपा चल रही है, लास्ट ईयर 15,000 से ऊपर लोगों ने उसमें भाग लिया था, और आने वाले टाइम में लगता है कि 50,000 से 1,00,000 की संख्या हो जाएगी इसकी। जो राजा के टाइम पे यहाँ परिक्रमा होती थी, ये परिक्रमा लुप्त हो गई थी। उस परिक्रमा को मैंने एक प्रयत्न किया, उसमें वहीवटी तंत्र गुजरात सरकार और ये अपना धार्मिक संस्थान सब जुड़े हुए हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पावागढ़ हिल के ऊपर लेक के किनारे बना एक छोटा सा टेंपल, मगर बहुत ही खूबसूरत, ये लकुलिशा टेंपल। ये टेंपल की खास बात है ये लावा पत्थरों से बना हुआ है, और दूसरी बात कि इसकी जो दीवार है उस पर आपके बहुत सारे देवी देवताओं के शिल्प देखने को मिलेंगे, और ये जो पूरा टेंपल है अभी जर्जरित हालत में है फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, जैनों का भी तीर्थ स्थान है। यहाँ पे दिगंबर जैन के ग्रुप टेंपल है जो 6-7 टेंपलों का एक पूरा समूह है, और ये श्री क्षेत्र में भी उनको उनके लिए प्रसिद्ध है। और मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ
दिगंबर जैन टेम्पल देखने के लिए। ये जो दिगंबर जैन मंदिर है वो 12 से 14वीं शताब्दी के बीच में बने हुए थे और ये मंदिर आज भी यहाँ पे पूजा होती है हर रोज और आज भी मंदिर अच्छी हालत में है। यहाँ टोटल 5 मंदिर थे मगर अभी 2 जमींदोज हो चुके हैं, सिर्फ 3 मंदिर बचे हुए हैं और तीनों मंदिर में आज भी पूजा होती है और तीनों मंदिर का जो कलाकृति है वो देखने लायक है क्योंकि उसकी जो दीवार है उसका जो नक्शी काम है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ही बारीक डिटेल और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्राचीन है क्योंकि यहाँ की आप हर एक शिल्प में देखोगे तो आपको बहुत ही डिटेल में वर्क देखने को मिलेगा। यहाँ के हर एक जगह पे आपको छोटी छोटी आकृतियाँ और छोटे छोटे शिल्प भी दिखाई देंगे तो ये जो पूरा स्थापत्य कला है वो बहुत ही खूबसूरत है। जैन टेम्पल को देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ नवलखी भंडार पे, तो चलो वहाँ जाके देखते हैं वो भी क्या है। पावागढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें बन रही है और इनका जो मेन मंदिर है माता जी का जो ऊपर की तरफ है वो भी पूरा रिनोवेशन हो रहा है, उसका भी निर्माण चालू है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि वो जो पहाड़ी है उसके ऊपर मंदिर का काम चालू है तो वो पूरा मंदिर भी नया बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप ज़्यादा होगा। नीचे चापानेर गाँव भी वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है तो वहाँ पे भी बहुत सारा आर्कोलॉजी की तरफ से अच्छी अच्छी चीज़ बन रही है। और सही में ये पूरा जो एरिया है वो जैसे हमारा यूनिटी सदा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जो डेवलप किया वैसे ही ये एरिया भी पूरा डेवलप होने वाला है। नवलखी कोठार ये 8वीं सेंचुरी में राजा वनराज सिंह ने बनवाए थे। इसकी मेन काम था कि जो भी यहाँ राज के लिए अनाज और जो चीज़ें संग्रह करनी होती थी वो इसके अंदर करते थे और यहाँ पे टोटल 9 कोठार थे इसलिए इसका नाम नवलखी कोठार पड़ा मगर 2 अभी जमींदोज हो चुके हैं, 7 बचे हुए हैं। मेरी ये 2 दिन की जो हिस्टोरिकल हेरिटेज टूर थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। मैंने ये 2 दिन में बहुत सब कुछ देखा नया और बहुत कुछ नए जानने को भी मिला और ज़्यादातर यहाँ आने वाले 90% टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो मैंने 2 दिन में देखा वो देखते ही नहीं है। अगर आपको कोई भी प्लेस को सही तरीके से एक्सप्लोर करना है आप ट्रैवलर बन के जाओ। और दूसरी चीज़ कि आप जहाँ पे आ जाओ वहाँ के कोई भी लोकल लोगों के साथ मिलो और उनसे जानकारी लो कि यहाँ पे क्या देखना है क्योंकि कई ऐसी प्लेस थी कि जो अगर मैं यहाँ पे आके एज ए टूरिस्ट की तरह देख के निकल जाता तो मैं कभी लाइफ में देख नहीं पाता। नवलखी कोठार के बाद अब मैं जा रहा हूँ 7 मंजिल को देखने के लिए जो नीचे की तरफ है। सात मंजिलों का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था और ये इसका निर्माण सुरक्षा हेतु ही करवाया गया था वॉच टावर के तौर पे। इसमें 7 मंजिलों में से 4 मंजिल पहाड़ी की साइड पे है और बाकी की मंजिल सीढ़ियों से जुड़े एक दूसरे से कनेक्ट हुई है और ये जो पूरी इमारत है वो अभी लॉक कर दी गई है, उसके अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बाकी इसकी जो किले की वॉल थी वॉल के साथ कनेक्ट ही उसका रास्ता है कि आप सीधा वो 7 मंजिल में उतर सकते हो और जो जहाँ पे 7 मंजिल है उसके एग्जैक्ट सामने ही विश्वामित्री नदी का उद्गम स्थान है जहाँ से विश्वामित्री नदी निकलती है। मेरी वर्ल्ड हेरिटेज टूर की जो 2 दिन की सफ़र थी वो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। 2 दिन में बहुत कुछ मज़ा आया, बहुत कुछ नया देखा और हमेशा मैं ऐसी ही चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा जिसको सब लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि मेरा मोटिव एक ही है कि आप ऐसी प्लेस देखो जो आपने नहीं देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पावागढ़ मंदिर के दर्शन के लिए हर कोई आता है मगर उसके साथ साथ जो ये सब चीज़ें हैं वो देखने के लिए नहीं आते लोग और मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें वो देखना चाहिए क्योंकि यही हमारा इतिहास है। तो ऐसी ही नई नई प्लेस में एक्सप्लोर करता रहूँगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए
और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जुड़े रहिए मुसाफिर द ट्रैवलर सागर ठाकर के साथ।